एक बार एक लड़की ने एक एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वह उसे क्रैक नहीं कर पाई, जिसकी वजह से वह अंदर से पूरी तरह टूट गई। वह बहुत परेशान रहने लगी, दुखी रहने लगी। उसके पिता से उसके बेटे की हालात देखी नहीं गई। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया। उन्होंने कहा कि मेरे साथ रसोई घर में चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। किचन में गैस चूल्हे के ऊपर 3 बर्तन रखे हुए थे। उन्होंने एक बर्तन में आलू, एक बर्तन में अंडे और एक बर्तन में कुछ कॉफी बीन्स गर्म पानी में डाले और उसे बनने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर बाद उसके पिता ने पहले बर्तन से आलू निकाला, दूसरे बर्तन से अंडे को निकाला, तीसरे बर्तन से उन्होंने कॉफी निकाल कर अलग बर्तन में छान लिया। उन्होंने अपनी बेटी से कहा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? उसकी बेटी ने बोला, इसमें क्या है, एक बर्तन में आलू है, एक बर्तन में अंडे हैं और एक बर्तन में कॉफी है। पिता ने कहा कि इन्हें छू कर देखो, शायद तुम्हें कुछ समझ में आए। उसने आलू को छुआ, वह काफी नरम हो चुके थे। उसने बाद में अंडे को तोड़ा, वह काफी कड़े हो गए थे। उसके बाद उसके पिता ने कॉफी का कप उठाकर बोला, इसे सूंघ कर देखो, उसमें से अच्छी सुगंध आ रही थी। उसके पिता ने अपनी बेटी से कहा, तुमने देखा, तीनों को एक ही परिस्थिति में रखा, लेकिन उन्होंने अलग अलग रिस्पॉन्ड किया। पहला जो आलू था, वह पहले तो स्ट्रांग था, उसको जैसे ही गर्म पानी में डाला, वह मुलायम हो गया, यानी कमजोर पड़ गया। दूसरा जो अंडा था, जो गर्म पानी में डालने के पहले कमजोर था, गर्म पानी में डालने के बाद स्ट्रांग हो गया। तीसरा जो कॉफी था, जो अंदर से कोई बदलाव नहीं किया, उसने सिचुएशन को ही बदल दिया। वो खुद नहीं बदला, बल्कि उसने पानी को ही बदल दिया। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जिंदगी में होता है। हमारे ऊपर है कि हमें इन तीनों में से क्या बनना है। पहला आलू के जैसा, यानी कि तुम्हारी जिंदगी में जब मुश्किल आए तो तुम टूट जाओ। दूसरा अंडे जैसे बन जाओ, जब मुश्किल आए तुम अंदर से और मजबूत हो जाओ। या तीसरा कॉफी बन जाओ, जब तुम्हारी जिंदगी में कुछ मुश्किलें आए ना तुम मुश्किलों का डटकर सामना करो, बल्कि अपनी जिंदगी को ही बदलना रहो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली सभी न्यू इंटरेस्टिंग डांस स्पीच पोएम एंड स्टोरीज की न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।